Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Literature and English Grammar Hub. I hope ke aap sab khairiyat se honge. So in today's video we are going to learn the term Orientalism. We will discuss this term in detail. So let's get started our lecture. But before moving to our lecture, subscribe to the channel. Ab baat karte hain apne topic ki jo ke hai Orientalism. ओरिएंटलिज्म ये बुक थी जो कि राइट की है एडवर्ड सईद ने. एडवर्ड सईद का आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूँ. सो ही वॉज़ एन अमेरिकन राइटर. सेकेंड पॉइंट अबाउट हिम इज़ दैट ही वॉज़ द प्रोफेसर ऑफ पैलेस्टीनियन ओरिजिन. गाइस, एडवर्ड सईद जो था वो एक सेंट्रल फिगर था, मेजर फिगर था लेट 20th सेंचुरी का. एंड ही वॉज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पोस्ट कलोनियलिज्म. तो सईद जो हैं, एडवर्ड सईद, वो अपनी बुक ओरिएंटलिज्म के रिलेटेड बहुत ही फेमस हुए हैं. अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताऊं कि एडवर्ड सईद की जो बुक ओरिएंटलिज्म है ये मेनली किन के बारे में बात करती है. सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेस्टर्न थॉट्स अबाउट द ईस्टर्न पीपल. ठीक है, अब इस बुक में ईस्टर्न पीपल जो हैं उनको नेम दिया गया है ओरिएंट के लिहाज से. ठीक है, उनको ओरिएंट कहा गया है. जितने भी ईस्ट में रहने वाले लोग हैं उनको ओरिएंट बोला गया है, और वेस्ट में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहा जाता है ऑक्सीडेंट. सही है. सो एडवर्ड सईद की ये जो बुक ओरिएंटलिज्म है ये वेस्टर्न के थॉट्स बताती है अबाउट द ईस्टर्न पीपल, रिलेटेड टू द ईस्टर्न पीपल, के किस तरह से वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन वाइट कम्युनिटीज़ को अपनी थॉट्स के थ्रू, और वो किस तरह से देखते हैं उनको लिटरेचर में और अपने आर्ट के थ्रू वो किस तरह से उनको प्रेजेंट कर रहे हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. तो मैंने आपको ऑक्सीडेंट और ओरिएंट का बताया है. अब मेन बात इसमें क्या है कि जितनी भी पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो सब ऑक्सीडेंट ने अपने साथ अटैच किए हुए हैं. लाइक दे आर द प्रोग्रेसिव वंस एंड दे आर द सिविलाइज, कॉन्शियस, एजुकेटेड. सो ऑल द पॉजिटिव टर्म्स आर अटैच टू द वेस्टर्न पीपल. बिकॉज ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ओरिएंट को किस तरह से देखते हैं कि दे आर अनसिविलाइज्ड, दे आर नॉट प्रोग्रेसिव, दे आर टाइमलेस. सो जितनी भी नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं वो ओरिएंट के साथ लगा दी गई हैं. तो हम इस बुक में यही तो बात करें ना कि वेस्टर्न की क्या थॉट्स हैं रिलेटेड टू द ईस्टर्न पीपल. ठीक है, सो वेस्ट ईस्ट को कैसे देखता है, ईस्टर्न पीपल को कैसे देखता है, उनको नेगेटिव टर्म्स में उन्होंने बताया गया है कि ये रिजिड पीपल हैं, स्ट्रेंज हैं, टाइमलेस हैं. इस तरह की जो कॉनोटेशंस हैं नेगेटिव, वो सब ओरिएंट के साथ लगा दी. एडवर्ड सईद ने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया अपनी बुक ओरिएंटलिज्म में, वो ये कि एडवर्ड सईद ने कहा है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेंट पीपल वो क्या सोचते हैं कि एनी वन हु टीचिज, हु राइट और हु लर्न अबाउट ओरिएंटलिज्म, ही इज़ द ओरिएंटलिस्ट. एंड उसको ओरिएंटलिज्म के बारे में अगर वो राइट करता है, आइदर ही इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और वट एवर ही इज़, सो वो क्या कहलाएगा, वो भी ओरिएंटलिस्ट ही कहलाएगा. ये सब जो एडवर्ड सईद ने अपनी बुक में बताया ये सब वेस्टर्न की थॉट्स हैं रिलेटेड टू द ईस्टर्न पीपल. बिकॉज इट इज़ द टर्म इन पोस्ट कलोनियलिज्म. तो पोस्ट कलोनियलिज्म क्या होता है कि आफ्टर कलोनियलिज्म का जो टाइम पीरियड है वो पोस्ट कलोनियलिज्म है. सो वेस्टर्न ने रूल किया था, बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया था, उन पर हुकूमत की थी, काफ़ी साल तक हुकूमत की थी. तो वो ये कंसीडर करते थे कि ये जो ईस्टर्न पीपल हैं ये अपने लिए कोई स्टेप उठा नहीं सकते, ये प्रोग्रेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड पीपल. ठीक है, और वेस्टर्न जो हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि ये हम पे बर्डन है कि हमने इनको एजुकेट करना है. ऑलराइट, समझ आ गई. एंड यू गाइस वर वेरी वेल अवेयर ऑफ द नावल हार्ट ऑफ डार्कनेस विच इज़ रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड. सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस ओरिएंटलिज्म. हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी जैसे मार्लो का थ्रू आउट द जर्नी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि
जो वेस्टर्नर्स हैं वो ईस्ट को कॉलोनाइज करने के लिए आए थे, वो उन पर हकूमत करने के लिए आए थे। बट वो साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि दीज आर द अनएजुकेटेड पीपल, ये जो ब्लैक्स हैं, यहाँ के अफ्रीकन पीपल हैं, रहने वाले हैं, हम ही इनको एजुकेट करने के लिए आए हैं। इनफैक्ट ऐसा नहीं था। और अफ्रीकन्स को उन्होंने किस तरह से डिपिक्ट किया है, दैट दीज पीपल आर मोस्टर्स एंड डेविल, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ओरिएंटलिज्म से रिलेटेड हैं। अब जो ये जो टर्म्स अफ्रीकन्स को उन्होंने दी हैं ये नेगेटिव कॉनोटेशंस में आ रही है ना, सो ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू द ईस्टर्न पीपल और ओरिएंट। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमने एडवर्ड सईद की बुक ओरिएंटलिज्म के बारे में बात की कि उसने ओरिएंटलिज्म में क्या बात की है, स्टीरियोटाइप्स बताया, बाइनरी ऑपोजिशंस के बारे में देखा और यूरोपियंस का कॉन्सेप्ट देखा, थाट्स देखी उनकी टुवर्ड्स ईस्टर्न पीपल। सो इफ़ यू गाइज हैव बेनिफिटेड लिटल बिट फ्रॉम दिस टुडेज़ वीडियो, so click the like button and also subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.